नमस्कार, हमारी खास पेशकश हक आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। देश का अन्नदाता सदमे में है। जो पूरे देश का पेट भरता है वो आज दाने दाने को मोहताज है। बेमौसम बारिश ने किसानों का सब कुछ लूट लिया है। खेतों में तैयार खड़ी फसलों पर बारिश और ओलों ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। बैंक और साहूकारों से कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान सदमे से मौत के शिकार हो रहे हैं या फिर कर्ज चुकाने की चिंता से खुदकुशी का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। कुदरत की मार झेल रहे किसानों की मदद करने के लिए सरकार घोषणाओं का पिटारा खोल रही है। लाखों करोड़ों की आर्थिक मदद की बात कही जा रही है, लेकिन हकीकत के धरातल पर इन घोषणाओं का हाल किसानों की बर्बाद फसलों की तरह है। ऐसे में वक्त आ गया कि हम और आप मिलकर किसानों के हक की आवाज उठाएं। फसलों के नुकसान से टूट चुके किसान सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं। बेमौसम बारिश से बर्बाद किसानों की मौत का सिलसिला जारी है। सिर्फ फरुखाबाद में 3 और किसानों की जान चली गई। फसल बर्बादी से आहत होकर किसी ने फांसी लगा ली तो किसी की सदमे में जान चली गई। बेमौसम की बारिश से फसलें बर्बाद क्या हुई, किसान का सारा ताना बाना ही बिखर गया। भले ही सरकार और प्रशासन किसान के आंसू पोंछने का दावा करे, लेकिन हकीकत यह है कि किसान आज भी खून के आंसू रो रहा है। इसका ही नतीजा यह है कि जिंदगी से हिम्मत हार बैठे किसान खुदकुशी तक का रास्ता चुन रहे हैं। फसलों की बर्बादी की वजह से फरुखाबाद में 3 किसानों की मौत का और इजाफा हो गया। पहली घटना कमालगंज की है। गांव मकरंद नगर बसाह के किसान देशराज सिंह ने घर से 50 कदम दूर आम के पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे दी। बरसात के कारण तबाह हुई फसल को देखकर सदमे में थे। ये 2-4-5 दिन से बहुत गुमसुम रहते थे। तो आलू खेत में लगा था तो बेचा था 10-12 बीघा। अब पुराना भी कर्ज था बैंक का। माँ बाप बहुत बीमार रहे, उसमें कर्ज हो गया था, वो भी एक्सपायर हो गया। उसके बाद बहन की शादी की तो कर्ज बढ़ता ही चला गया। तो ये 2-4-5 दिन से गुमसुम रहते थे। आज इन्होंने पेड़ नीचे बैठे रहे और बैठने के बाद वहीं फांसी लगा ली। दूसरी घटना अर्रा पहाड़पुर की है। भारत सिंह ने तंबाकू की फसल बोई थी। असमय बरसात से खेत में पानी भर गया। बरसात का पानी तंबाकू के लिए काल बन गया। तंबाकू की फसल को लेकर भारत सिंह कई सपने बुने थे, पर मौसम की मार से सपने पर पानी फिर गया। भरत सिंह गुमसुम रहने लगा। सोचा कि शायद सरकार के नुमाइंदे आंसू पोंछ दे, लेकिन कोई कर्मचारी भी नहीं आया। भारत सिंह की बेटी ने बताया कि सदमे में ही खेत पर गए उसके पापा की मौत हो गई है। वो तमाकू लौटते थे, पूरे दिन तमाकू लौटी, फिर शाम को खाना खाया, फिर पता नहीं बाथरूम करने के लिए गए, फिर उनको पता नहीं क्या हो गया। हम वो वाले घर पे अपने चले, मम्मी ने आवाज में लगाई, जब तक मैं आया तब तक पापा ने मुझे कुछ बोला नहीं, तब तक चले गए। वही गांव पिथनापुर निवासी आनंद कुमार के पास करीब 15 बीघा भूमि है। उन्होंने 10 बीघा खेत में गेहूं की फसल बोई थी। बेमौसम हुई बरसात से फसल खराब हो गई। 8 दिन पहले उन्होंने गेहूं की थ्रेसिंग कराई थी, जिसमें 9 क्विंटल गेहूं निकला। उन्होंने आर्यावर्त ग्रामीण बैंक राजपुर से 2 लाख रुपए किसान क्रेडिट कार्ड पर लिया था। उत्पादन कम होने से बैंक का ऋण अदा करने की चिंता में आनंद की तबीयत खराब हो गई। परिजनों ने उन्हें फरुखाबाद नर्सिंग होम में भर्ती कराया। हालत बिगड़ने पर आगरा रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों से कर्ज लेकर इलाज कराया। रुपए खत्म हो जाने पर इलाज बंद हो गया और मौत हो गई। वहीं उप जिलाधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि सभी मामले में परीक्षण कराया जा रहा है। किसान द्वारा आत्महत्या की गई है, अपने बाग में फांसी लगा कर, जिसका परीक्षण कराया गया है। हमने अपना नायब तहसीलदार परीक्षण कराया, पुलिस द्वारा इस प्रकरण का संज्ञान लिया गया है। फिलहाल इस समय पोस्टमार्टम होने जा रहा है। भले ही प्रशासन का कहना है कि वो इस पर नजर बनाए हुए है और सरकार पूरी मदद कर रही है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके परे है। खेती करके किसान बर्बाद हो जाते हैं, उनके अरमानों पर ग्रहण लग जाता है और वो कर्ज में डूब जाते हैं, और जब कोई रास्ता नहीं बचता तो मौत का रास्ता चुनते हैं। फरुखाबाद से अनिल कुमार की रिपोर्ट, श्री न्यूज़।
फरुखाबाद संवाददाता अनिल कुमार वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, फरुखाबाद में तीन और किसानों की जान चली गई, फसल बर्बादी से हाथ होकर किसी ने फांसी लगा ली तो किसी की सदमे में जान चली गई, प्रशासन अब क्या कर रहा है? आलोक, स्थिति वही बनी हुई है। प्रशासन अब भी, जब किसान मौत मर रहा है उसके बाद में भी प्रशासन के दावे वही हैं, और हालत यह है कि ना तो कोई सर्वे करने के लिए गया है खेतों पर और ना किसी को कोई मुआवजा मिल रहा है जी। किसान अपनी स्थिति में है, और अब स्थिति चूंकि गेहूं की कटाई शुरू हो गई तो बिल्कुल जो गेहूं का दाना है बिल्कुल खोखला है, उसमें कुछ निकल नहीं रहा है, और जाहिर है कि उससे उसके बाद में उससे कुछ आमदनी होनी नहीं, तो इसी परेशानी में होकर के लोग किसान अब कहीं फांसी पर लटक रहे हैं या कहीं सदमे में उनकी मौत हो रही है। तो बड़ी खराब सी स्थिति है। सरकार लखनऊ में बैठ करके दावे किए जाते हैं या फरुखाबाद बैठ करके दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ना तो कहीं कोई सर्वे करने के लिए गया है और ना कहीं कोई मुआवजा मिल रहा है। तो इसी वजह से बड़ा सवाल ऐसे में ये है, इन मौतों से भी, इन जो मौतें हुई हैं, इन मौतों से सरकार ने क्या कुछ सबक लिया है? क्या अभी भी सरकार नहीं जागी है, सोई हुई है पूरी तरीके से? हालों हम बता दें आपको कि यहाँ संख्या बढ़ के 19 हो गई है, 19 लोग मर चुके हैं अभी इस बेमौसम की बारिश के बाद में जो स्थिति पैदा हुई है खेती किसानी को लेकर के, उसमें अभी यहाँ 19 लोग मर चुके हैं। और उसके बाद में भी यही है कि जब कोई घटना हो जाती है तो प्रशासन सफाई देता है और कहता है कि तो बीमार थे, बीमारी के कारण मौत हो गई, बहाना ढूंढने की कोशिश की जाती है। और जो जो मुख्य चीज है कि सर्वे हो या मुआवजा मिले या और स्थिति बने, वो कोई प्रशासन अभी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, उल्टे सफाई दी जाती है और कहते हैं कि साहब बीमार था इसलिए मर गया या और कोई कारण था इस वजह से मर गया, पहले से बीमार था इसलिए मर गया, इस तरह की बात करी जाती है लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फसलों के नुकसान से टूट चुके किसान सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं, बेमौसम बारिश से बर्बाद किसानों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। श्री न्यूज बना है आपकी आवाज। धीरेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बर्बाद किसानों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है, फरुखाबाद का हमने मामला दिखाया, तीन किसानों की जान चली गई है, फिलहाल आप जहां पर रहते हैं वहां पर क्या स्थिति है? नमस्कार सर जी, मैं उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले से बोल रहा हूँ सर जी। जी जी बताएं, बुलंदशहर का भी लगभग यही हाल है, फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे धीरेन्द्र जी। सर जी, इससे ज्यादा बुरी हालत है हमारे यहाँ पे, 50% के 60% गेहूँ नष्ट हो गया हमारे यहाँ पे जी। तो गेहूँ नष्ट हो गया, फसलें नष्ट हो गई ओलावृष्टि के चलते, बेमौसम बारिश के चलते। फिलहाल अगर आप बात करें तो प्रशासनिक मदद क्या कुछ मिली आपके गांव के लोगों को अभी तक? सर जी मैं बता रहा हूँ, प्रशासनिक मदद मिली नहीं थी सर, पटवारी आया था हमारे यहाँ पे जी, सर्वे करके ले गए, उसने सारा पैसा वहीं पे बैंड कर रखा है तहसील में, अभी तक किसी को कोई भी चेक नहीं मिला अभी तक गाँव में हमारे में जी। तो आप हमें बताइए फिर धीरेन्द्र, किस अधिकारी की लापरवाही है, फिर श्री न्यूज सीधे कार्रवाई करेगा उन पर? आप हमें उन अधिकारी का नाम बता सकते हैं जिन्होंने इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना हरकत की है? ये अजय लेखपाल जो उन्होंने सर्वे करके ले गए हैं सर, यहाँ से सारी वो बैंकों की किताब ले, किसानों किसी को आज तक एक कमरी नहीं दी इन्होंने। अच्छा धीरेन्द्र, ये बताइए लेखपाल का सर्वे हो चुका क्या आपके गाँव में की अभी नहीं? हाँ जी, लेखपाल का सर्वे हो गया, बैंक की किताब भी लेके पहुंचे उसके करवा कर वो। अच्छा, तो सर्वे में उन्होंने क्या कुछ रिपोर्ट दी, कुछ पता लग पाया है कि नहीं? सर्वे की रिपोर्ट उन्होंने हमें नहीं पहुंचाई। अच्छा उन्होंने, अच्छा धीरेन्द्र, अब आप हमें ये बताइए कि अब आप क्या चाहते हैं श्री न्यूज के माध्यम से, आप जल्दी से अपनी बात रखिए। सर जी हम ये चाहते कम से कम गरीबों को जो उनका नष्ट हो गया उसे थोड़ा बहुत राहत मिले, उनके बच्चों को दो वक्त की रोटी नसीब हो जाएगा आने वाले टाइम में। चलिए, उत्तर प्रदेश की सोई हुई सरकार को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे धीरेन्द्र जी? सर जी उत्तर प्रदेश की सरकार से 10 में से 0 नंबर में देना चाहता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए धीरेन्द्र जी, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने 0 अंक दिए हैं। आप भी अपनी आवाज बुलंद कीजिए और अपनी बात रखिए। ये तस्वीरें हैं कानपुर भोपाल बुलंदशहर बांदा की। हल्द्वानी से श्री भुवन जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए। श्री भुवन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया सरकार की तरफ से, किसकी लापरवाही है? नमस्कार भाई साहब, हमारे इधर भी अभी कोई सर्वे नहीं हुआ है जी। जी अपनी बात रखें श्री भुवन जी। ओके सर। जी श्री भुवन जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए और अपनी बात अच्छे से रखिए हमसे। ओके सर। जी अपनी बात रखिए।
हेलो। हाँ, आपकी आवाज हम तक आ रही थी, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए सर। भाई साहब, हम ये कहना चाहते हैं हमारी भी फसलें नष्ट हो गई है, हम भी, हमारी खेत बहुत है, 5 एकड़ जमीन है हमारे पास, और कुछ भी हमारी जमीन पे गेहूं ना कुछ हुआ है, सब फसल बर्बाद हो चुकी है। हम तो ये सोच रहे कि एक बार हमारे पास पटवारी आए और आप लोग आए, हमारी खेत की फोटो वोटो लेके कुछ दिखाएं जनता को। और जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्री भुवन जी हमसे बात करने के लिए। श्री भुवन जी हमारे साथ एक दर्शक हल्द्वानी से जुड़े थे जिन्होंने अपनी बात रखी। आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अपनी बात रखिए, क्योंकि आज का एक खास शो आप ही के लिए है, हक आपका। 8 से 9 सोमवार से शुक्रवार तक हम ये खास शो लेकर आए हैं, जिसमें हम सीधे तौर पर बात कर रहे हैं किसानों की जो फसल बर्बादी हुई है। बिहार के बोधगया से शत्रुघ्न जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। शत्रुघ्न जी नमस्कार, स्वागत है आपका। किसानों की फसल बर्बाद हुई है लेकिन सरकारों की तरफ से साफ तौर पर मुआवजे को लेकर अनदेखी की जा रही है, आपकी प्रतिक्रिया शत्रुघ्न जी। मेरा बात है ना तो सर, कि हम लोग तरफ तो कोई देखने भी नहीं आया है। जी आपका कौन सा गांव लगता है सर? मेरा गांव है बोधगया, इस क्षेत्र में पड़ता है सर, बोधगया से 7 किलोमीटर अंदर पड़ता है। जी अच्छा, लेखपाल द्वारा सर्वे हुआ आपके गांव में कि नहीं सर? हम लोग तरफ कुछ नहीं हुआ सर, ऐसा ही खेत में गेहूं पड़ा हुआ, कोई तो आग लगा दे रहा है, कोई खेती कर ऐसे ही जोत दे रहा है। अच्छा, आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत की अधिकारियों से कि नहीं? हम लोग तरफ सब बोधगया जो है ना अंचल जहाँ पड़ता है। अगर अधिकारियों से शिकायत की, विभाग संबंधित विभाग के अधिकारियों से, तो उनका किस तरीके का जवाब रहा, क्या रिस्पॉन्स रहा? हम लोग तरफ तो कोई आया ही नहीं सर, इधर से आदमी गया उधर जो अंचल है वहाँ पे शिकायत दिया, लेकिन कोई उसका सुनवाई नहीं हुआ, इधर आया भी नहीं, अभी तक कोई देखने भी नहीं आया है। जी चलिए, आपने जानने की कभी कोशिश की कि क्यों नहीं लोग आए वहाँ पर? ऐसा इधर का सब जानते प्रशासन क्या सर, कोई प्रशासन सुनता है किसान का? चलिए अब लेकिन श्री न्यूज आपकी आवाज बनाए और आपको एक मंच दिया है मौका देने का, अब आप श्री न्यूज के माध्यम से अपनी बात रखिए, बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। जी आप अपनी बात कहिए जल्दी से। ठीक है, हम लोग जी जी बात ऐसा है ना सर, कि हम लोग के भी आए, जो हम लोग का नुकसान हुआ, जो मुआवजा मिले, और कि हम लोग पे भी ध्यान हो, सरकार से वोट लेने के लिए समय पे आ जाएगा जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बोधगया से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे जिन्होंने श्री न्यूज ने पूरी तरीके से उनको आश्वस्त कराया कि आपको बहुत जल्द ही इंसाफ मिल के रहेगा। राजू यादव जी हमारे साथ एक दर्शक हमीरपुर से जुड़ गए। राजू जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हमीरपुर में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है, अनदेखी कर रही है, आपकी राय? जी जी राजू जी, राजू जी अगर आपको हमारी आवाज मिल रही तो एक छोटी सी गुजारिश है, टीवी का वॉल्यूम कम करिए और अपनी बात रखिए सर। जो सर जी 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 राजू जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और अपनी बात अच्छे से रखिए जल्दी से। जी सर मैं कहना चाहता हूँ सर जी, कि जो सरकार है, ये केंद्र सरकार है, किसानों को जो मुआवजा दे रही है, तो सर हम कह रहे हैं किसानों को जो मुआवजा के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए हैं, तो ये यूपी सरकार की है कि केंद्र सरकार की है? जी बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने, अखिलेश सरकार ने 500 करोड़ जारी किए हैं, ताकि जो ओलावृष्टि और जो बेमौसम बरसात के चलते जो फसलें जो खराब हुई हैं, ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। लेकिन यहाँ भी घोटालेबाज पूरी तरीके से घोटाला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। चलिए अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी में बारिश से किसानों की फसलें तबाह हुई हैं और साथ ही साथ किसानों को मुआवजे के लिए 500 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार। उन्नाव से संजय कुमार जी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बेमौसम बारिश से बर्बाद किसानों की मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, आप जहां पर बोल रहे हैं वहां से हम बात करें तो किसानों की जो फसलें नष्ट हुई